जय मसीह की। दैनिक प्रेरणा में सजीव वाहिनी के सभी श्रोताओं का पूर्ण हृदय से स्वागत करती हूँ और विश्वास करती हूँ कि आप सभी एक मन और एक आत्मा होकर मसीही नाम में आनंदित होंगे। आज की प्रेरणा मत्तई 7 अध्याय 24 वचन, इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य की नाई ठहरेगा जिसने घर चट्टान पर बनाया हो। भजन संहिता 144 अध्याय 1 वचन, धन्य है यहोवा जो मेरी चट्टान है, वह मेरे हाथों को लड़ने और युद्ध करने के लिए तैयार करता है। मत्तई 7 अध्याय 25 वचन, और मेह बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर पर टक्करें लगीं, परंतु वह नहीं गिरा क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। वचन कहता है मनुष्य की कल्पनाएं और बातें जो किसी काम की नहीं पर व्यर्थ ही की हैं, इसलिए अधिक बात करना या अधिक बात सुनना दोनों ही मूर्खता के निशाने हैं। और एक मूर्ख व्यक्ति मनुष्य की बातों पर ध्यान देता है और मनुष्यों से सलाहबाजी करता है। मूर्ख व्यक्ति मनुष्यों की बातों पर निर्भर होकर अपनी राह से भटक जाता है और अपने जीवन भर में व्याकुल, परेशान, बेचैन, दुखी और अस्थिर रहता है क्योंकि उसने मनुष्य की बातें सुनी और मानी। पवित्र और परिशुद्ध ग्रंथ में के वचन कहते हैं, इसलिए जो कोई मेरी बातें सुनकर उन्हें मानता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य की नाई ठहरेगा जिसने अपने जीवन का घर चट्टान पर बनाया हो। धन्य है यहोवा जो मेरी चट्टान है, वह मेरे हाथों को लड़ने और युद्ध करने के लिए तैयार करता है। और एक बुद्धिमान मनुष्य समय को बहुमूल्य जानकर जीवन में आने वाली सारी चुनौती, आपत्ति और ललकार का सामना करने के लिए तैयार रहता है जो इस संसार की ओर से अचानक हम पर आ पड़ती है। और देखो, मेह बरसा, बाढ़े आई, आंधियां चली, टक्करें लगी, विरोध हुआ, विद्रोह हुआ, हंसी उड़ाई, मजाक बनाया, परंतु वह नहीं गिरा क्योंकि उसमें वचन की शक्ति थी और ज्ञान था जो मुश्किल परिस्थितियों में लड़ने और युद्ध करने में हमें सामर्थ्य से भर देता है। जी हाँ, नूह की वो अद्भुत कश्ती जिसकी नींव यहोवा नाम की चट्टान पर डाली गई थी, परमेश्वर की आज्ञा अनुसार डाली गई थी, उनके नाम में विश्वास के द्वारा डाली गई थी और उनकी भविष्यवाणी की महिमा में डाली गई थी। प्रलय के बाद उसने किनारा पाया जो हमें नई दुनिया और नए नियम से जोड़ती है, जहाँ नया जीवन है, नई सृष्टि है, नया आकाश है, नई भूमि है, नई हरियाली, नई खुशियाँ प्राप्त होती है, जो मसीह के त्याग और बलिदान से हमें जोड़ती है और उस चट्टान पर हमें स्थिर करती है जिस चट्टान पर मसीह को सूली पर चढ़ाया गया था। तो आइए हम सब जो मसीह नाम से जुड़े हैं सूली के साथ ऊंचे उठाए जाएं, जो आज तक उस चट्टान पर ऊंचा है और हमेशा ऊंचा रहेगा। आमीन। जय मसीह की। हालेलुया।